ये आपने जो लगाया हुआ है ना, आर्टिस्ट पेंटर बनना हाँ। चाहती आप? ओके, बहुत सुंदर लगा है ये। मुझे सब लोग बोल रहे थे दीवार वाला पेंटर। अरे मैं बोल रही हूँ दीवार वाला पेंटर नहीं बनना है मुझे। अच्छा, दीवार वाला पेंटर नहीं बनना आपको? नहीं, दीवार को पेंट क्यों करूंगी मैं। हाँ एग्जैक्टली, आपको एक आर्टिस्ट बनना है, अच्छी अच्छी ड्रॉइंग्स बनाएंगे, उसकी पेंटिंग्स कीजिएगा आप। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर सुरभि। तो देखो संजो सामने आ गई हैं सुरभि त्रिपाठी हॉट सीट पर, और ये अहमदाबाद गुजरात से है और फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरभि, वेल डन। तो आज सुरभि आप अपने साथ किसे लाई हैं कंपेनियन के रूप में? मेरे पापा और मेरे नाना जी को लाई। ओह हो, प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। दीपक जी हैं और अरुण जी हैं, प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुरभि जी, आप माने ना माने लेकिन आप स्पॉटलाइट में आ गई हैं, है ना? सारी रोशनी जो है वह आपके ऊपर है। और नहीं, हॉट सीट का मतलब नाम ही ऐसा ही, हॉट सीट, लेकिन रोशनी आपके ऊपर है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और गेम के रूल्स आपको तो पता ही है, तो हम समझाएंगे नहीं आपको। सुरभि जी रेडी? चलिए प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सुरभि? ओके। ये ब्रश जो है ये आपकी दाढ़ी को लग रहा है इधर ऐसे। मैं थोड़ा एक या दो उतार के रख सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है, निकाल करके यहाँ सामने रख दे, मुझे बताइए दीजिए, मैं कर लेता हूँ। ये चॉपस्टिक की तरह खुलेगा? थोड़ा 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 थोड़ा, और ये भी निकाल के दे देते हैं। ये मुश्किल सी लग रहा है। चिपका हुआ है सब। ओहो, अभी ठीक है? हाँ, वो हिलता है ना तो ऐसे खुल। हाँ बिल्कुल, सब खुल जाता है। ये आपका रखा है इधर, जाते समय आपको हम दे देंगे। ओके, रेडी? पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि, ये रहा। इनमें से किस विषय को पढ़ते समय आपको ज्योमेट्री बॉक्स उपयोग करने की आवश्यकता पड़ सकती है? फॉर अटेंडिंग अ क्लास इन विच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर यू मोस्ट लाइकली टू नीड अ ज्योमेट्री बॉक्स? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी म्यूजिक, डी मैथमेटिक्स। हिंदी, संस्कृत, संगीत या गणित? प्लीज सर, ऑप्शन डी, मैथमेटिक्स को लॉक पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए, कह रही है सुरभि। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। एक सामान्य ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपस होता है, एक रूलर होता है, एक डिवाइडर होता है, टू सेट स्क्वायर्स होते हैं और एक प्रोट्रैक्टर होता है। ओके, 2000 पॉइंट्स तैयार। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर सुरभि जी, ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि इस मिठाई को पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस स्वीट डिश। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? हाँ सर, मुझे समझ नहीं आई मिठाई। अच्छा, आप नजदीक जाके देखना चाहते हैं उसको? हाँ, हाँ आप जा सकती हैं। देख लिया? आइए, मुझे जो लग रहा है क्या पता वही हो, देखते हैं ऑप्शन। हाँ चलिए देखते हैं, विकल्प देखते हैं क्या होता है, कि जो मैंने फिर बताइएगा। ओके, तो विकल्प डाल रहे हैं हम आपके सामने। ए गुलाब जामुन, बी लड्डू, सी श्रीखंड या डी रसगुल्ला। सर प्लीज ऑप्शन सी, श्रीखंड को लॉक कर दिया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, दूर से ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन हमने कहा था विकल्प। मुझे लगा कि कुछ जमा हुआ दही है, क्या है ये? समझ नहीं आया। ओके, अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, 3000 पॉइंट्स। रेडी सुरभि जी? ये रहा आपके सामने। इनमें से किस रंग को लाल रंग में मिलाने से वो गुलाबी हो जाएगा? एडिंग विच ऑफ दीज कलर्स टू रेड विल मेक इट पिंक। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लैक, बी व्हाइट, सी ब्लू, डी येलो। सर प्लीज ऑप्शन नंबर बी, सफेद मींस व्हाइट को लॉक कर दिया जाए। बी पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गुलाबी जो है वो लाल रंग का एक टिंट होता है जिसे लाल रंग में सफेद मिला करके बनाया जा सकता है। जिस तरह से नहीं, थोड़ी बहुत गुलाबी आपने कमीज भी पहन रखी है,
है ना? वो ये ड्रेस मैंने पहनी हुई है, वो पिंक कलर की है। अच्छा। मुझे पिंक कलर इतना अच्छा नहीं लगता, पर मेरे पे पिंक और येलो दोनों ही अच्छा लगता है। येलो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, दोनों ही अच्छे लगते हैं मेरे पे। पहनते क्यों हैं आप फिर उन्हें? अब मेरे पे अच्छा लगता है, मम्मी बोलती है बहुत अच्छा लग रहा है तेरे पे और कम्फर्टेबल भी हो जाता है मुझे। एक बात बताइए सुरभि जी, आप हमेशा से एक आर्टिस्ट बनना चाह रही थी या क्या? नहीं, जब मैं छोटी थी ना तब मुझे ऐसा था कि जब ये छोटी थी, छोटी मतलब ठीक है, 6-7 साल की थी ना, तब मुझे ऐसा था कि मुझे बड़े होके ना कोई डॉगी बनना है या हॉर्स बनना है, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि बड़े होके कोई जो काम करना है काम करना होता है। ये कुत्ता बिल्ली बन नहीं सकते है ना। बाद में मुझे पता चला, लगता था कि आप या तो कुत्ता बनना चाहेंगी या घोड़ा। मुझे ऐसा लगा कि जो फेवरेट एनिमल होता है वही बड़े होके बन जाएंगे। अच्छा, किसी ने कहा कि जो आपका फेवरेट होता है वही बन जाती हैं आप? मैंने ऐसे सोचा पता नहीं क्यों। लेकिन आप ना डॉगी हैं ना आप घोड़ा हैं, इस समय आप सुरभि हैं और अभी आप खेल रही हैं कौन बनेगा करोड़पति, इतना तो जानती है ना। उसको साबित करने के लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। चौथा प्रश्न, रेडी? 5,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर सुरभि जी। अमरूद के पेड़ का इनमें से कौन सा भाग भूमि के नीचे होता है? Which of these parts of a guava tree is below the ground? ऑप्शन देखिए, ए फ्रूट, बी लीफ, सी ब्रांच, डी रूट। फल, पत्ता, शाखा या जड़? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद डी होगा। प्लीज सर ऑप्शन नंबर डी रूट को लॉक कर दिया जाए। डी पे लॉक कर दिया जाए। और आपको बता दें बिल्कुल सही जवाब है आपका। जड़ है, जड़ जो है किसी भी पेड़ की जड़ जो है वो जमीन के नीचे होती है। नहीं, वो इसमें जड़ लिखा था। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लोगों को लगता है वो नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रिक के लिए ऐसा लिख दिया होगा। और सर एक बात बताऊं, एक दिन में आप कितने घंटे बोलती हैं? पूरा दिन बोलती रहती हैं। मैं बाथरूम में भी बातें करती रहती हूँ खुद से। और आपके सामने आ गया है पांचवा प्रश्न। ठीक है सुरभि, पांचवा प्रश्न खेल का पहला पड़ाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये, क्योंकि ये पार करने से आप 10,000 पॉइंट्स अवश्य ले जाएंगी और वो ज्ञानास्त्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। ये रहा द फार अवे ट्री, The Famous Five और The Secret Seven किस लेखिका की पुस्तक श्रृंखला है? The Faraway Tree, The Famous Five and The Secret Seven are book series by which author? A. Enid Blyton, B. Jacqueline Wilson, C. Agatha Christie या D. Eva Ibbotson। सर मुझे लोगों के नाम ही नहीं समझ आ रहे, तो आप है ना ऑडियंस पोल प्लीज एक्टिवेट करिए। ओके, शांत हो जाइए, ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रही हैं सुरभि जी। ऑडियंस पोल अंकित कर दिया जाए, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में आ जाए और आपका समय शुरू होता है अब। Enid Blyton, A, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 64। मुझे वही लग रहा था, उस पे डाउट जा रहा था मुझे। अब फिर अभी कैसे नहीं कहा फिर आपने, क्यों लाइफ लाइन? मुझे लगा कि गलत होगा, तो घड़ी चल पड़ी, क्या करें? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें। ए को थल लगा जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने, वेल डन। Enid Blyton, बचपन में न जाने कितनी कहानियां इनकी पढ़ी होंगी हमने और आपने भी पढ़ा है, आपको लगा था कि वो है। ये तीनों ही दुनिया भर के लाखों बच्चों द्वारा पढ़ी जाने वाली बहुत ही लोकप्रिय बुक सीरीज है। और Enid Blyton बहुत ही सुंदर लेखिका जो कि बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखती रहती हैं। ओके, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज है कि इनका सुपर पावर जो है यानी ज्ञानास जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। और ये आ गए ज्ञानास जी आपके स्क्रीन के ऊपर। छठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स सुरभि त्रिपाठी जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। डीडी स्ट्रोक एमएम स्ट्रोक वाई वाई के रूप में इनमें से किसे दर्शाया जाता है?
DDMMYYYY is a format that describes the display of which of these. ठीक है, अब मैं ऑप्शन रखता हूं ए फोन नंबर, बी डेट, सी ईमेल आईडी या डी पोस्टल एड्रेस. फोन नंबर, दिनांक, ईमेल आईडी या डाक पता. बी पे लगाए ताला. बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने.